नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप स्विगी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि दोस्तों आपसे जानते हैं किसी प्रति संबंधित कोई भी सूचना होती है आप स्विगी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट देखने के लिए मिल रही है वो है सीटेट 2021 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन तो अभी तक जारी नहीं हुए हैं, लेकिन सरकारों के माध्यम से सीटेट और यूपीटेट की तैयारियां करनी शुरू कर दी गई हैं। उसी क्रम में जानकारी मिली है कि सीटेट 2021 के एक बार फिर से जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो लाइक करके अवश्य जाया करें, साथ में जिन छात्रों को शेयर करना आता हो शेयर अवश्य कर दिया करें, बिकॉज शेयर का तो सिर्फ बटन ही दबाना होता है ना। तो ऐसे में सीटेट 2021 को लेकर जो आवेदन की तारीखें देखने के लिए मिल रही हैं उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सीटेट 2021 को लेकर जुलाई से जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के जो पूरे स्टेप होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें CBSE के माध्यम से सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन जो होगा 20 जून तक जारी कर दिया जाएगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी जुलाई में शुरू करवा दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को एक दिन जानकारी भी दी थी कि आप सभी की जो परीक्षा हो सकती है जुलाई वाली वो तो नहीं करवाई जाएगी, लेकिन ऐसे में जो आपकी दिसंबर वाली परीक्षा है उससे पहले आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। CBSE के माध्यम से कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। जैसा कि आपको बताया कि सीटेट को आजीवन कर दिया गया है, तो ऐसे में सीटेट 2021 को लेकर जुलाई के पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो ऐसे में बड़ी अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है उन सभी के लिए जो सीटेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए समस्याएं हैं जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको बार बार टेट या सीटेट से ही खुश होना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर भी UPTET को लेकर तैयारियां हैं। अभी शासन के माध्यम से मंजूरी नहीं दी गई है, जैसी मंजूरी मिलती है उसकी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी, क्योंकि आज एक मुलाकात PNB सचिव के साथ में भी होने वाली है। तो सीटेट 2021 को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल चुकी है कि 20 जून के बाद में आपका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है और जो आपकी परीक्षा होगी वो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर माह के अंदर देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल जो आवेदन शुरू होने वाले जुलाई से आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ में अगर हम बात करें LT ग्रेड को लेकर, दोनों ही ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा समय समय से परेशान रहते हैं। ऐसे में सरकार इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। काफ़ी लंबे समय से छात्र इन दोनों भर्तियों के इंतजार में हैं, लेकिन अगर देखा जाए दोनों ही भर्तियों से संबंधित छात्रों का जो इंतजार है वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि निदेशालय में अटकी हुई रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की फंसी नियुक्ति को लेकर 2,500 से अधिक चयनित शिक्षकों की जो काउंसलिंग होने का इंतजार है। ऐसे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत प्रमुख अगर बात करें विषयों की, सामाजिक विज्ञान साथ में हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इन्हीं दो विषयों के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इन विषयों के तकरीबन 2,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए नियुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा देर तक इंतजार भी करना पड़ा। बाकी अगर बात करें विषयों के, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, अभ्यर्थियों के रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अटकी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग शीघ्र शुरू कराने के लिए 8 जून को निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जुलाई में करवाई गई थी, जैसा कि आप जानते हैं। फिलहाल अभी तक इनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं। 8 तारीख को होने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी पहुंचे, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं लगभग 5,948 अभ्यर्थी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अगर बात करें 12,460 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी आधे अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, लेकिन बाकी आधे अभ्यर्थी को नियुक्ति मिल चुकी है। ऐसे में अगर बात करें अभ्यर्थियों धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी सुना कर दिया गया। 15 दिसंबर 2016 को, जैसा कि आप सभी को बताएं कि वही अशुभ दिन था उन सभी छात्रों के लिए जब 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। मार्च 2017 में भाजपा सरकार बनती समीक्षा के नाम पर भर्ती रोक दी गई। समीक्षा के दौरान भर्ती सही पाई गई, अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुकदमा जीत लिया। इसके बाद सरकार ने भी भर्ती शुरू नहीं की, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। 18 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सीधे इस मामले को धकेल दी, तो भर्ती शुरू हुई। तकरीबन 6,512 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति मिल गई, लेकिन इस बीच भर्ती फिर से कोर्ट में लटक गई है, जिसमें लगभग 5,948 अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ जो मामला है वो लटका हुआ है। अगर पूरा हो जाता है तो बहुत सारे छात्रों को यहाँ से जो नियुक्तियाँ हैं वो मिल सकती हैं।
तो ऐसे में दूसरी तरफ एलटी गेट के 2500, तो एक तरफ 12400 के लगभग 6000 छात्रों का इंतजार है नियुक्ति का, लेकिन पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, अभी तक दोनों ही भर्तियां लटकी हुई हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें 69000 में भी कुछ नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड काउंसलिंग को लेकर रोज़ दावे और वादे तो देखने के लिए मिलते हैं। अधिकारियों के माध्यम से कहा गया कि रिक्त पदों का डाटा मिल चुका है, ऑडिटिंग की जा रही है और जल्दी आपको जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें 69000 की थर्ड चयन सूची को लेकर, तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि नहीं भरे जा सके 5000 से अधिक रिक्त पद। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 69000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद 5000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके अलावा एसटी सैंडी के लगभग 1133 पद खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि 1 माह में जो भर्ती है वो शुरू हो जाएगी। 2.5 महीने हो चुके खाली पड़े हुए पदों पर अभी तक छात्रों को नियुक्तियां नहीं मिली हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, सरकार से मांग करते हुए रिक्त पदों को भरने के लिए 69000 शिक्षकों से जुड़े अन्य मामले आरक्षण मसले को लेकर भी सरकार से राष्ट्र पिछड़ा वर्ग की अंतिम रिपोर्ट पर जवाब नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी परेशान है, उन्होंने राष्ट्रपति साथ में राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज कराई गई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी के लगभग 5844 सीटों को यहाँ पर अनिश्चित वर्ग के अभ्यर्थी को दे दी गई हैं। ऐसा यहाँ पर एमआरसी वाले छात्रों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आप सभी के साथ लिखी हैं। पहली तो थर्ड काउंसलिंग को लेकर ये चयन सूची क्यों जारी नहीं हुई है, क्योंकि विभाग की लेट लतीफ़ी के चलते 2.5 महीने से ज़्यादा का समय निकल चुका है। छात्रों के माध्यम से कई प्रदर्शन देखने के लिए मिले हैं, तो कई ट्विटर वार भी हो चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें अभी तक छात्रों को राहत नहीं मिल रही है। थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों के माध्यम से इंतजार किया जा रहा है, अगर 9-10 तारीख तक कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एससीईआरटी पर होगा, क्योंकि बार बार अधिकारी हर एक हफ्ते ये कहते हैं कि इस हफ्ते आप सभी की चयन सूची या फिर कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में जो चयन सूची जारी ना होने का रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक के अधिकारी या फिर सरकार की मिलीभगत, अगर वो सही समय पर चाहते तो कब की नियुक्ति दे देते। इसी के साथ दूसरा मुद्दा एमआरसी से संबंधित है, जिसमें 6000 सीटों को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पर 6000 सीटों को लेकर जवाब मांगा है, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया है। तो दूसरी तरफ छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर या फिर एससीईआरटी पर जाकर ज्ञापन सौंप के उन 6000 सीटों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। तो ये तो बात हो जाती है थर्ड काउंसलिंग को लेकर, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें रिक्त पदों की संख्या के बारे में, तो इसके अंदर आप सभी को जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान के अनुसार दी गई है कि सीटों की संख्या लगभग 5000 से ज़्यादा है, क्योंकि 5000 तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे पद हैं और साथ में 1133 पद दूसरे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। टोटल इन सबको जोड़ें तो लगभग 6000 पद वैसे भी खाली हैं। शासन के पास में पिछले कई समय से डाटा मिल रहा है, इससे उम्मीद है कि पदों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि इसी सप्ताह आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब इंतजार है, आज से सप्ताह भी शुरू हो चुका है, जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि UPSSC परीक्षा कैलेंडर, TGT PGT एग्ज़ाम डेट साथ में UPSI एग्ज़ाम डेट को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों के माध्यम से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल ही में ट्विटर वार देखने के लिए मिला, जहां पर 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुए। छात्रों की सबसे बड़ी जो मांग है वो ये है कि UPSSC का परीक्षा कैलेंडर जल्द जारी किया जाए, TGT PGT एग्ज़ाम डेट भी जारी हो, साथ में यहाँ पर जो परीक्षा कैलेंडर वो भी जारी हो कि कब तक आपको नियुक्तियाँ दी जाएंगी। तो दूसरी तरफ दरोगा भर्ती मतलब कि UPSI को लेकर भी छात्रों का कहना है कि तय समय पर उनको 6 महीने के अंदर नियुक्तियाँ दी जाएँ। ऐसे में अगर हम बात करें इन तीनों परीक्षाओं को लेकर, मतलब तीनों भर्तियों के बारे में, जैसे कि UPSSC से तो हजारों की संख्या में भर्तियां निकलती हैं, लेकिन कब निकलेंगी उसी का इंतजार है। तो छात्रों के माध्यम से रोजगार पे एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे अहम मुद्दे होंगे सभी रिक्त पदों को भरा जाए, UPSSC का नया परीक्षा कैलेंडर, TGT PGT एग्जाम डेट, साथ में UPSI की एग्जाम डेट भी आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि UPSSC के माध्यम से ट्विटर वार के बाद से कहा गया है कि जल्द सभी परीक्षाओं को लेकर जो ऐलान है वो किया जाएगा, साथ में तमाम जो परिणाम लटके हुए उनको जारी किया जाएगा, ऐसा चेयरमैन के माध्यम से बयान दिया गया है। लेकिन ये काम पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ बयानबाजी हुई है, कार्य कोई हुआ नहीं है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि UPSSC का जल्दी
से तय समय के अंदर नया परीक्षा कैलेंडर जारी करके तमाम परीक्षाओं को तय समय पर करवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारियां हैं कि अगस्त के अंतिम महीने में करवा ली जाएंगी, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा ना हो जाए तब तक छात्रों को इंतजार है। तो छात्र बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इन छः महीने को गवाया जाए, क्योंकि जुलाई के बाद आप सभी को बताया कि चुनाव में सिर्फ छः महीने का समय शेष है। इससे पहले टीजीटी पीजीटी की भर्ती इतने कम समय के अंदर पहले पूरी हुई भी नहीं है। तो रिकॉर्ड को देखते हुए छात्रों का कहना है कि ऐसे में जल्दी से टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा करवाना है तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा करवाई जाए। ऐसे में यूपी डब्ल्यूएससी के कैलेंडर साथ में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, इसके अलावा यूपीएसआई की परीक्षा को लेकर भी छात्रों की मांग है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल भी करवाना है, ऑनलाइन परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, जिसकी तैयारियाँ लगभग अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद में फिजिकल के बाद आपको नौकरी देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन यूपी में होने वाला है, जिसकी जानकारी आप सभी को लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जमीनी स्तर पर जो प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित नहीं होती है, यूपी डब्ल्यूएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं होता है, या फिर यूपीएसआई को नियुक्ति पत्र तक की जानकारी नहीं दे दी जाती है, तब तक छात्र यहाँ पर डटे रहेंगे और ऐसे में अपनी जो मांग है वो लगातार मांगते रहेंगे। बिल्कुल सही भी है कि छः महीने के अंदर इन तीनों की जो परीक्षाओं की तारीखों को लेकर घोषणा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये होगी तमाम लेटेस्ट अपडेट। बाकी जो भी तैयारियां हैं संभावित तारीखों को लेकर मैंने आपको पहले बताई हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक लगातार जो मांगे वो उठानी पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।